हेलो गाइस, अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड किसी भी जानकारी में अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो गाइस आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। गाइस मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है, तो गाइस आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। गाइस अभी हाल ही में मैंने अभी वैद्यनाथ शिलाजीत के बारे में एक वीडियो डाला है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो गाइस प्लीज उसे जाकर देख लीजिए, वो बहुत ही फायदेमंद है। उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने झंडू वगैरह किसकी भी नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देख लीजिए। चलिए दोस्तों, तो बिना देर के वीडियो करते हैं। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो मेरे पास में रखा है वैद्यनाथ का वीटाएक्स गोल्ड प्लस का कैप्सूल। गाइस तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कंटेंट्स मिले हुए हैं और कितनी मात्राएं मिले हुए हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि आपको इसके किस तरीके से लेना है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि इसमें क्या क्या लाभ आपको हो सकते हैं। चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इसमें क्या क्या मिला रहता है। इसमें अश्वगंधा, शिलाजीत, शतावरी, सफ़ेद मछली, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, वंग भस्म और अभ्रक भस्म, इन संपूर्ण आयुर्वेद को मिलाकर इस वीटाएक्स कैप्सूल को बनाया जाता है। इसमें 8 प्रकार के भस्म और इसमें अश्वगंधा, शिलाजीत, शतावरी को मिलाकर इसे बनाया गया है। और इसे कैप्सूल के रूप में आपको दिया जाता है। और जानकारी के लिए बता दूँ, कभी भी आप इस कैप्सूल को खोलकर बिल्कुल मत खाना, क्योंकि अगर आप इसे खोलकर खाओगे तो ये काफ़ी कड़वा भी हो सकता है, तो आपको उल्टी जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए गाइस इस कैप्सूल को खोलकर बिल्कुल मत खाना। चलिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि काम किस तरीके से करता है और आपको किस तरीके से इसे लेना है। गाइस मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, जब भी आप इस कैप्सूल का यूज़ करोगे तो एक कैप्सूल दूध के साथ आपको खाना खाने के बाद में लेना है। एक कैप्सूल सुबह या शाम दोनों टाइम भी आप इसे ले सकते हो, सुबह शाम दोनों टाइम एक एक कैप्सूल, लेकिन खाना खाने के बाद में आपको एक गिलास दूध के साथ इसे लेना है। गाइस जानकारी के लिए बता दूँ, आप इसे अगर दोपहर में खाते हो सुबह के समय तो आपको इसे खाने के बाद किसी भी प्रकार की सुस्ती महसूस नहीं होगी। आप इसे खाकर काम भी कर सकते हो या गाड़ी वाड़ी सब चला सकते हो, आपको इसके खाने के बाद कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। तो गाइस में आप बात कर लेते हैं कि यह आपको किस किस तरीके से फ़ायदा करता है, आपके शरीर को कितनी एनर्जी प्रदान करता है। तो जानकारी के लिए बता दूँ आपको कि यह आपके लिंग कामेच्छा शक्ति को भी बढ़ाता है। प्लस गाइस यह आपके जो शुक्राणु शरीर में जो शुक्राणु की कमी हो जाती है उसको पूरा करने में आपकी काफ़ी मदद करता है, और यौन इच्छाओं और उत्तेजना क्षमता को बढ़ाने में आपकी काफ़ी मदद करता है। यह उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यौन विकार, जो यौन संबंधी जितनी भी समस्या होती है उन सभी समस्याओं में यह काफ़ी लाभदायक अपना काम करता है गाइस, और बहुत ही अच्छा है। और शीघ्र पतन जैसी समस्या को भी बहुत जल्दी ठीक करने में आपकी काफ़ी मदद करता है। गाइस अगर आप इसे खा रहे हो तो आप कम से कम इसे 2 से 3 महीने तक का रेगुलर आप इसे ले सकते हो, आपको इसमें किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। गाइस मैं आपको बाटल खोलकर भी दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके से दिखाई देती है। तो यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। शरीर में आपके शुक्राणुओं की कमी को पूरा करेगा, यौन इच्छाओं को बढ़ाएगा और यौन विकार को भी दूर करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। यह बहुत ही बढ़िया है गाइस, यह प्योर आयुर्वेदिक है। सबसे बढ़िया बात, प्योर आयुर्वेदिक है, आपको इसमें किसी भी प्रकार से कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। गाइस आपको इस तरह की कैप्सूल के रूप में देखने को मिलेगा, लेकिन जानकारी के लिए बता दूँ आप इसे खोलकर बिल्कुल भी मत लेना है गाइस, क्योंकि अगर आप खोलकर खाओगे तो आपको काफ़ी कड़वाहट लगेगी, इसलिए गाइस इसे खोलकर बिल्कुल भी मत खाना, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया। अगर गाइस ध्यान रहे, इस टेबलेट का उपयोग लड़कियाँ अगर गर्भावस्था में है तो बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर लड़कियों को अगर इसका सेवन करना है तो अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, उसके बाद इसका सेवन कर सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।